आमिर खान अपनी फिल्मों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर लोग आमिर से कई सवाल पूछते हैं। आमिर खान ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी। 1986 में रीना और आमिर की शादी हुई थी। ये शादी 16 साल चली थी। रीना और आमिर के दो बच्चे आयरा और जुनेद है। रीना के बाद आमिर ने किरण राव से शादी की थी। किरण और आमिर का एक बेटा आजाद है। कुछ समय पहले आमिर और किरण भी अलग हो चुके हैं। रीना और किरण की जिंदगी से जाने के बाद अब हर कोई उनसे पूछ रहा है कि क्या वो तीसरी शादी करेंगे। इस पर आमिर ने अब चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। किरण और आमिर ने साल 2021 में अलग होने का फैसला ले लिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके तलाक की अनाउंसमेंट भी की थी। अब हाल ही में आमिर रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में गए थे, जहां पर एक्ट्रेस ने उनसे दोबारा शादी करने के बारे में पूछा। जब रिया ने आमिर से तीसरी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं अब 59 साल का हो गया हूं। मुझे नहीं लगता अब मैं दोबारा शादी कर पाऊंगा। मुश्किल लग रहा है। मेरी जिंदगी में इस वक्त बहुत सारे रिश्ते हैं। मैं फिर से अपनी फैमिली से जुड़ गया हूं। मेरे बच्चे, भाई और बहन है। मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ जो मेरे करीब है। मैं एक बेहतर इंसान बनने की तरफ काम कर रहा हूँ। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।